नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, रामायण के रचयिता तुलसीदास ने रामचरितमानस में अनेक चौपाइयाँ लिखी हैं, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य को सुख और दुख में क्या करना चाहिए। उन्होंने बताया है कि जीवन में सुख और दुख तो आते ही रहते हैं और दुख का हल केवल भगवान ही कर पाते हैं। और आज की इस खास वीडियो में हम आपको रामायण की कुछ ऐसी चौपाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि दुख की घड़ी में क्या करना चाहिए। अगर आप भी दुख की घड़ी में इस बात का अनुसरण करते हैं तो आपके दुखों का नाश हो जाएगा। दोस्तों, ये खास चौपाई कुछ इस प्रकार है। जो प्रभ दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद ज सुगावा, जप ही नाम जन आर्त भारी, मिट ही कुसंकट हो सुखारी, दीन दयाल बिरंद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दोस्तों, सुबह उठकर जल्दी स्नान कर लें, प्रभु राम लक्ष्मण और माता सीता की मूर्ति के सामने पर तिलक लगाकर चावल अर्पित करें और इसके साथ आप मंदिर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए और भगवान को भोग अर्पित करें। इसके बाद आप सच्चे मन से तुलसी की माला का एक जाप करें तो देखिए कि कैसे आपकी किस्मत में बहुत बड़ा बदलाव होगा और आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।